किसी ने काला जादू कर दिया था, टोटका। मेरा दिमाग मेरे ही कंट्रोल में नहीं था। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ सबसे, कलर्स, एंडमॉल, सलमान खान एंड द इंडस्ट्री एट लार्ज। More often like when we see your Big Boss की journey, हमने काफी अच्छे से देखी है। अब Big Boss की journey जिस तरह से OTT में भी live 24 hours आता है, तो how what kind of change do you see in this thing? Like पहले के Big Boss, because आप starting part of the Big Boss, now it's more than 11 to 12 season, जिस तरह से changes आपने, क्या change आप देखते हो? I feel that Big Boss has now become more aggressive. It has become more difficult. अब तो खुल्लम खुल्ला मारा मारी गाली गलौज होने लगा है। हमारे टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं होता था, और अब तो टास्क्स भी काफ़ी मुश्किल हो गई हैं, बहुत फिजिकली एक्सर्टिंग हो गई हैं। सो आई थिंक दैट ओवर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो भी ऑडियंस को चाहिए वही कलर्स एंड मॉल्स और सलमान खान उन्हें दे रहे हैं, एंड इट्स बिकम मोर कटथ्रोट नाउ। Do you miss Endemol, working with Endemol? I love my colors, my Endemol and my Salman Khan family. मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ। मुझे अभी तक याद है वो पुणे तक मेरे को अवार्ड्स के इनवाइट्स भेजते थे, कभी मुझे लेफ्ट आउट उन्होंने फील नहीं कराया। पर जब से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है 4-5 साल पहले, मुझ पे किसी ने काला जादू कर दिया था, टोटका, जिससे मेरा दिमाग मेरे ही कंट्रोल में नहीं था और मुझसे सबके अगेंस्ट बातें करवाई गई, क्योंकि वो चाहते थे कि सलमान खान मुझसे अपसेट हो जाए, मुझे अपनी मूवीज में ब्रेक ना दे, उसी लिए ये सब करवाया गया। एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड एंड आई एम सो अपोलोजेटिक, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ सबसे, कलर्स, एंडमॉल, सलमान खान एंड द इंडस्ट्री एट लार्ज, यू नो, क्योंकि मैं बेबस थी, मैं अपने ही कंट्रोल में नहीं थी, मैंने अपना आपा खो दिया था। सो प्लीज थोड़ा बड़प्पन दिखाइए और मुझे माफ करिए, और हम एक नया दौर सेट करेंगे पॉजिटिविटी का, बिकॉज आई रियली मिस माय एंडमॉल कलर्स एंड सलमान खान फैमिली। आई लव देम एंड आई रियली रियली मिस देम टू बिट्स। वेल, जिन लोगों ने मेरी जिंदगी वेस्ट की है उन्हें माफ करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज सब कुछ जिंदगी में वापस मिल जाता है। आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, आपको आपके चाहने वाले वापस मिल जाते हैं, पर आपको टाइम जो वेस्ट किया गया है वापस नहीं मिलता है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को माफ करना। इसके अलावा पूजा जी, कोई आने वाले समय में कोई ऐसे रियलिटी शो में आप जाना पसंद करोगे? जैसे कि हम हाल ही में लॉकअप भी ऐसे एक नया रियलिटी शो आया था जिसमें काफी चर्चा हुई उस रियलिटी शो में, क्या आप कोई ऐसे रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे इन फ्यूचर? लॉकअप के लिए मुझे कॉल आया था कास्टिंग एजेंट से, मैंने मना कर दिया, एंड आई रिग्रेट इट, यू नो, मुझे कर लेना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक एकता कपूर इज डूइंग अ फैबुलस जॉब एंड आई लाइक कंगना ऑल्सो। तो अगर लॉकअप सीजन 2 के लिए वो मुझे बुलाएंगे, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट, एंड बिग बॉस 16 का भाग बनना चाहूंगी, क्योंकि कार्ल पेन, क्लोई कार्दाशियन, पूरा अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड चाहता है कि मैं वापस सलमान खान के साथ स्टेज पे खड़ी हूँ। तो मेरी ये बहुत ही बड़ी विश है एंड आई होप ये फुलफिल हो जाए।